हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं और कल मैंने स्कूटी बारिश में चलाई थी बहुत ज्यादा। तो हो सकता है आपने देखी हो वीडियो इससे पहले वाली। तो अब बारिश में चलाने के बाद इसमें एक दिक्कत आ रही है, तो अभी पहले ये पहन लेता हूँ हाथों में, फिर दिखाता हूँ आपको वो दिक्कत। हाफ टी शर्ट में मेरे को स्कूटी चलाने में मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों, ऐसे कॉन्फिडेंस कम सा लगता है। तो चलते हैं अब। और स्कूटी भी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है बारिश की वजह से, तो अब दिखाता हूँ आपको वो दिक्कत। और पेट्रोल भी कम है, पेट्रोल भी डलवाना है इसमें भी। तो देखो मैं जैसे इसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसकी जो रेस है वो बहुत ज्यादा कम हो रखी है, और अगर रेस दे के नहीं रख रहा तो ये बंद हो जा रही है। अब रेस में ज्यादा रखूंगा तब स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो अब सही चलेगी। और चलती हुई स्कूटी में जैसे ही मैं रेस छोड़ दे रहा हूँ तो ये बंद हो जा रही है। तो यही दिक्कत आ रही है इसमें बारिश में चलाने के बाद। कल रात तक तो एकदम बढ़िया थी, पता नहीं क्या हो गया। मेरे ख्याल से तो इसकी रेस कम हुई है, पर बारिश में चलाने से रेस कैसे कम हो गई। और मौसम बहुत ज्यादा मस्त हो रहा है, आसमान भी एकदम साफ हो गया, नीला नीला आसमान। ऐसे रेस दे के रख रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। अरे यार मैंने पेट्रोल पंप मिस कर दिया। ओ भाई इस बार तो इसने माइलेज बहुत ही ज्यादा दी है यार। तो देखो 21,971 किलोमीटर चली है, और मैंने जब इसमें पेट्रोल डलाया था तब ये थी 21,880 किलोमीटर। और 200 रुपए का तेल डलाया था मैंने इसमें प्रीमियम वाला, तो वो 1 लीटर 101 रुपए का आता है, तो 2 लीटर भी नहीं आया था, मतलब 1.9 या 1.8 लीटर आया होगा। और जब मैंने वो 200 रुपए का तेल डलाया था तब पेट्रोल बहुत ही कम था स्कूटी में, मतलब जितना अभी है उससे भी कम था। तो लगभग ये 90-95 किलोमीटर के आसपास चल गई है 2 लीटर तेल में। देखो 72 हो गया, तो पेट्रोल पंप पहुंचते पहुंचते 75 हो ही जाएगा। तो ये लगा लो इसने माइलेज दी है 42-43 के आसपास की, और वो भी अभी तेल बचा है, जब मैंने डलवाया था तो इससे भी कम था। तो जो लास्ट वाली सर्विस है उसमें मैंने बोला था कि माइलेज कम दे रही है, तब उन्होंने शायद सेट करी थी माइलेज। और यहाँ जाम लग गया है, देखो बंद हो गई, जैसी रेस छोड़ रहा हूँ वैसी बंद हो जा रही है। और ऊपर से इसका सेल्फ भी खराब हो रखा है, कभी कभी स्टार्ट नहीं कर रहा। तो मैकेनिक के पास भी मैं गया था पर बंद थी दुकान आज, तो अब कल सुबह जाऊंगा, देखते हैं क्या दिक्कत है, क्यों हो रहा है ये। जहां तक मुझे लग रहा है रेस कम होने की वजह से ही हो रहा होगा, क्योंकि बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं आ रही, एकदम मस्त चल रही है। वैसे जैसे ही रोक रहा हूँ ना, रेस छोड़ रहा हूँ, तो रेस बहुत ज्यादा कम हो जा रही है, एकदम ना के बराबर। अच्छे लोग अभी भी हैं यार इस दुनिया में। अभी बाइक में एक अंकल आंटी जा रहे थे, तो आंटी के हाथ से कुछ सामान गिर गया, उनके हाथ में सामान होगा ना थैला वैला, तो वो गिर गया। तो 3-4 बाइक वाले रुक गए और मैं भी रुक गया, मैं भी उनके पीछे ही था। तो जिनका सामान गिरा वो अंकल उन आंटी पे चिल्ला रहे कि तूने सामान क्यों गिरा दिया। तो पीछे एक और अंकल आ रहे थे बाइक में, वो बोल रहे ऐसे मत डांटो, गिर जाता है कभी कभी। तो ये बढ़िया चीज लगी मुझे, देखो दोबारा बंद हो गई। तेल भी नहीं है इसमें, तो धक्का ना मारना पड़ जाए, ऐसे ट्रैफिक रहा तो बेइज्जती हो जाएगी। वैसे अभी तो सुई उठ रखी है, सुई जब पूरी नीचे आ जाती है उसके बाद भी 20 किलोमीटर के आसपास तो चली जाती है। और पेट्रोल पंप बस ये रहे जो रेड लाइट आ गई, इसके 500 मीटर या 200 मीटर दूर होगा। और हमारे 990 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, 1000 होने वाले हैं, 1000 होने में बस 10 बचे हैं। तो मेरे ख्याल से 4 दिन में हो जाएंगे, पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं, पर 4 दिन तो हो जाने चाहिए 4 दिन में। और ये आ गया पेट्रोल पंप, तो प्रीमियम डलवा लेते हैं, प्रीमियम में छोटी लाइन है। तो तेल डलवा दिया है, अब चलते हैं यहाँ से। और तेल चल रहा है 101 रुपए प्रीमियम वाला। और अब तो धूप भी आ गई है, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस रास्ते से गया था तो बारिश हो रही थी, पर अब धूप हो रही है। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है अभी स्कूटी चलाने में, अभी ऐसे तो ठीक चल रही है, अभी रेस दे रहा हूँ, पर जैसे ही मैं रेस छोड़ूंगा ऐसे, अभी जैसी थोड़ी और स्लो होगी ये बंद हो जाएगी। और अब बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, बच्चे दिख रहे हैं जगह जगह। The next day. तो स्कूटी ठीक करवा दी है मैंने, ये देखो अब ऑन करके स्टार्ट करूंगा, एक बार में स्टार्ट हो जा रही है और बंद नहीं हो रही। तो इसकी रेस कम हो रखी थी वो ठीक कर दी, तो अब बढ़िया चल रही है और बंद नहीं हो रही बार बार। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।